जो पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि बाइक सवार दो बदमाश जिनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये थाना क्षेत्र सेक्टर 20 में सेक्टर 14 के पास में ये घटना यहाँ पे हुई। इसमें दो बदमाश हिमांशु और शब्बीर नाम जो कि घायल हुए हैं, दोनों एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, और इनके पास से एक बाइक और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है जो कि लोडेड है, और इसके अलावा तमंचा और कारतूस और कुछ अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला है, जिसकी अभी जो वेरिफिकेशन है शिनाख्त वो की जा रही है। तो अभी तक जांच में निकल करके आया है कि इनमें से एक बदमाश जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है और दूसरा सेक्टर 9 में जो बी के एरिया का रहने वाला है, और जो एक बदमाश जो शब्बीर नाम का जो बदमाश घायल हुआ है, इसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुका है, और दूसरा बदमाश जो हिमांशु है वो भी कई बार जेल गया है। फिलहाल दोनों के प्रति इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है और अलीगढ़ पुलिस से भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, क्या कोई इनामी भी है इसमें? हाँ, इनमें जो इनामी बदमाश घायल हुआ है वो 25,000 का इनाम उसके ऊपर है, इसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है। फिलहाल अभी रिवॉल्वर को तस्दीक किया जा रहा है और बाकी जो अन्य सामान है उसको वेरीफाई किया जा रहा है।